देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार कामकाज किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही परेड ग्राउंड में बने स्मार्ट टॉयलेट की भी शुरुआत की गई। 2022 में देहरादून के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को सरकार को पूरा करना है, जिसको देखते हुए तेजी के साथ काम किए जा रहे हैं। देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों के चलने से देहरादून के लोगों को परिवहन में सुविधा मिलेगी। इन इलेक्ट्रिक बसों का किराया बेहद कम रखा गया है, जिससे आम आदमी भी इसमें आसानी से सफर कर सकता है। इससे पहले भी 5 बस देहरादून में ISBT से राजपुर तक चलाई गई थी। अब यह बसें रायपुर से सैलाकुई तक चलेंगी, जिसमें सैलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूर आसानी से कम किराए में देहरादून और रायपुर आ जा सकेंगे। समय सीमा बांधी थी, लेकिन बीच में कोविड हो गया। कोविड के कारण थोड़ा काम लंबा खींचा है, लेकिन अब जैसे ही थोड़ा कोविड से निजात पाए हैं और राहत पाए हैं, तो अब तेजी से बढ़ेगा और जल्दी से जल्दी। सर, एक कांग्रेस कह रही है कि संवैधानिक संकट जिले को दिखाई है कि क्या कुछ कहेंगे सर? आज स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक जो बसों का रायपुर से लेकर सैलाकुई तक जाना और पूरे शहर से गुजरते हुए आम जन को उसको सुविधा मिलेगी। और मैं कह सकता हूं कि जो लेबर तबका है, कर्मचारी है, क्योंकि सैलाकुई सहजपुर एक जिस तरह फैक्ट्री एरिया है और रायपुर से होकर के और कम दाम में और कम समय में ये बहुत बड़ी अपने आप में ऐतिहासिक है और ऐसी सौगात आज मिली है और देहरादून वासियों को और सभी जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बस जो है, एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद 180 किलोमीटर तक दौड़ना जाना इसका तय है। और साथ में ही ये जो आज के हिसाब से शौचालय का निर्माण हुआ है, आधुनिक निर्माण जो दिखा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये भी एक स्वच्छता का प्रतीक और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छता को लेकर के प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है। और इसके लिए मैं स्मार्ट सिटी के जो काम है वो पूरे हो जाएंगे, बहुत सोच समझ के बनाई है। ये सौभाग्य है उत्तराखंड का कि देहरादून को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला और उसमें विभिन्न समयों पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। उसकी एक कड़ी में आज स्मार्ट सिटी में बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। बहुत एडवांस तकनीक से बने हुए टॉयलेट बने हुए हैं, उनका शुभारंभ किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी शहर के लिए, शहरवासियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। शहरी विकास मंत्री, देखिए आवश्यकताओं की कभी पूर्ति नहीं होती है, एक के बाद एक काम लोगों को समझ में आते हैं कि ये हो गया तो अब ये हो जाए, ये हो गया तो ये हो जाए। तो धीरे धीरे जो भी है काम करते जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी के कारण से शहर एक सुव्यवस्थित और अच्छा शहर बनेगा। कब तक सरकार कब तक कर पाएगी पूरा और कब तक लोगों को लगेगा आज स्मार्ट सिटी हो गया? देखो अभी टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा काम है, थोड़ा समय तो लगेगा, 1-2 साल तक लगेगा। वहाँ से हो गया, आज कागज ही मिलना था।